अस्सलामु अलैकुम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर वन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है ये वाला। एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज डैश कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते हैं तो इसकी डिग्री क्या होने चाहिए। डिग्री क्या कहते हैं, हमारे पास जो वेरिएबल है इसके हाईएस्ट डिग्री देखेंगे। यहाँ पर देखें, ये एक्स की डिग्री 2 है, यहाँ पर यानी पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है। तो किसी भी इक्वेशन की डिग्री वो कहलाती है जो एक्स की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है। तो यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है, तो जो कि जिसको हमने कहा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट में कि एन इक्वेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड पार्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, वो वही ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी हुई, दोबारा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका आंसर हमारा ये होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, टू पावर एक्स प्लस टू पावर टू एक्स इज इक्वल टू वन इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था जब हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, तो एक्स अगर पावर में हो, एक्स अगर पावर में हो तो उस इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इसके सामने मैं लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी जब एक्स पावर में हो। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ थ्री पावर एक्स इज इक्वल टू नाइन इज। सॉल्यूशन का मतलब कि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, थ्री पावर एक्स इज इक्वल टू नाइन। नाउ दिस इज इक्वल टू थ्री पावर एक्स इज इक्वल टू, ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है क्योंकि पावर एक्स पावर में है। अब नाइन जो है इसको मैं बेस में लिखूंगा, जो बेस यहाँ पर है, यहाँ पर बेस में क्या है, थ्री है। तो यहाँ पर जो नाइन है, इस नाइन को भी मैं लिखता हूँ थ्री पावर में, यानी अगर मैं लिखता हूँ थ्री पावर वन, थ्री पावर वन इज इक्वल टू थ्री, थ्री पावर टू इज इक्वल टू नाइन, यानी थ्री मल्टीप्लाई थ्री, तो थ्री पावर टू। अब बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू टू। अब हमारा आंसर यहाँ आएगा एक्स इज इक्वल टू टू। नाउ फिफ्थ पार्ट, सोल्यूशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाता है। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। सो दिस इज द आंसर।